हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी को बताएंगे कि यदि आप किसी बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो उसे कैसे हटाएं। इस पर पहले फ़िलहाल में इस पर तो हमने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है। यदि आप 2 मिनट में किसी भी बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, इसके बारे में आज हम सभी को एक बढ़िया ट्रिक बताएंगे। वो अप्लाई करने पर आपका मात्र 2 मिनट में बैकग्राउंड हट जाएगा। मात्र 2 मिनट में, चंद मिनटों में आप बैकग्राउंड को हटा देंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ओपन करने के पश्चात आपको सर्च करना होगा remove.pg या bg, .bg या pg, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने पर आपको सबसे ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको ऐसा इमेज दिखेगा। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, जो आपको फ़ोटो क्लिक करना है या जिसका बैकग्राउंड आपको हटाना है वो फ़ोटो आप वहां से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम अपने गैलरी से फ़ोटो एक उठा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, गैलरी से एक फ़ोटो ले रहे हैं और उसका हम बैकग्राउंड हटाएंगे। जैसे कि ये फ़ोटो हमने ले लिया है, ये हमारे चार भाई हैं, चार दोस्त हैं कह सकते हैं, भाई जैसे हैं, इनका ही फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखे होंगे तो उसमें से आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं। ऊपर वाले में ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, नीचे वाले में आपको बैकग्राउंड का इमेज दिखेगा कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें या कैसे उसे दूसरा बदले। जैसे ये है बैकग्राउंड लगाएंगे, ऊपर वाला जो 2 लाइनें दिख रही हैं ऊपर वाले से ब्लर होगा, नीचे वाले से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसा कि ये हमें बहुत अच्छा लगा बैकग्राउंड, इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस इमेज को हम डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपके फाइल मैनेजर में अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको एक्सपेरिमेंट दिखा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें एक फ़ोटो फिर से अपलोड करेंगे। एक फ़ोटो को गैलरी से हम अपने उठा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक गैलरी से फ़ोटो, एक कोई भी एक गैलरी से फ़ोटो ले लेंगे। जैसा कि ये देखो, बेसिकली हमारा स्क्रीन पर शो होने लगा है इमेज और उसका बैकग्राउंड वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। बैकग्राउंड हटने के बाद आप एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे तो उसमें से कोई भी ऑप्शन एक क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे रिमूव वाले ऑप्शन आ जाएंगे। आ जाने के बाद आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या फिर ब्लर कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड दूसरा लगा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे बैकग्राउंड आपके सामने नज़र आएंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपनी इमेज के पीछे, जो आपको वो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा, इसे ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लर देखिए, ब्लर कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। या इसमें एक और फीचर है जो फ़ोटो को क्रॉप कर सकता है। जैसे आपके बैकग्राउंड में कोई अदर व्यक्ति आ जाए तो उसे कैसे क्रॉप करेंगे, उसके लिए ये इमेज बहुत अच्छा है, तो उससे उस व्यक्ति को क्रॉप कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इससे बैकग्राउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेसिकली। इस प्रकार हम सारी एडिटिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार हम अपने फ़ोटो को का बैकग्राउंड हटा लेंगे, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हम अपने इमेज को सेव कर लेंगे गैलरी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, ऐसी बेसिक जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।